टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डॉक्टर ऑफ मूशा एंड इट्स मूशा इज एन अरेबिक वर्ड डिराइव फ्रॉम सायू मीनिंग अनडिवाइड शेयर इन प्रॉपर्टी सो ये एक अरेबिक वर्ड है जो डिराइव हुआ है वर्ड सायू से जिसका मतलब होता है अनडिवाइड शेयर इन प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसको बांटा नहीं गया है जिसका डिविजन नहीं हुआ है तो सायु का मतलब ये होता है ऐसी प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है इमूवेबल भी हो सकती है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अब हम देखते हैं कि मूषा की डॉक्ट्रिन कहती क्या है सिद्धांत क्या है मूसा का मूषा का रूल ऑफ दिस डॉक्ट्रिन से इज दैट गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन एन इनडिविजिबल प्रॉपर्टी मतलब एक इनडिविजिबल प्रॉपर्टी है जिसको हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता और उसको बिना डिवाइड किए जैसे कि स्टेयर केस ज्वेलरी हुई वो वैलिड गिफ्ट होगा अगर ऐसी प्रॉपर्टी में गिफ्ट किया जाता है तो जैसे कि सीढ़ियाँ हैं स्टेयर केस हुई अब सीढ़ी को अगर आप हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हो अगर आप उसको हिस्सों में तोड़ोगे तो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी या ज्वेलरी हुई तो इन सब चीज़ों को तोड़ा नहीं जा सकता इनको एज इट इज़ गिफ्ट किया जाएगा बट गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन ए डिविजिबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट वैलिड बट अगर कोई डिविजिबल प्रॉपर्टी है मतलब जिसको जिस प्रॉपर्टी को हिस्सों में बांटा जा सकता है और ऐसी प्रॉपर्टी को अगर आपको गिफ्ट में देना है तो पहले उसे हिस्सों में बांटना होगा वरना गिफ्ट नहीं किया जा सकता सो so ये डॉक्टरिन ये कहती है अब ये डॉक्टरिन जो है ये सिर्फ गिफ्ट्स पर अप्लाई करती है

अ प्रॉपर्टी विच इज़ इनकैपेबल ऑफ डिविजन और दूसरा उस प्रॉपर्टी में जो डिवाइड की जा सकती है विच इज़ कैपेबल कैपेबल ऑफ डिविजन सो हम फर्स्टली देखते हैं मोशा इन अ प्रॉपर्टी इनकेपेबल ऑफ डिविजन जो डिवाइड नहीं की जा सकती जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको स्टेयर केस का एग्जाम्पल जैसे कि सीढ़ियाँ हैं आप उनको ऊपर नीचे ऐसे बांट नहीं सकते हो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी तो इसके लिए केस है कासिम हुसैन वर्सेस शरीफ निसा एटीन एटी थ्री का इस केस में क्या होता है ए पर्सन हु ओन हर हाउस उसने गिफ्ट किया सी को एंड राइट टू यूज स्टेयर केस हिम जॉइंटली विद ओनर ऑफ़ एड ज्वाइनिंग हाउस मतलब उसने एक घर दिया गिफ्ट में और साथ ही साथ जो घर की स्टेयर केस थी उसका यूज़ करने का अधिकार भी गिफ्ट कर दिया और उस स्टेयर केस को यूज़ करने का अधिकार बगल वाले घर के ओनर को भी दे दिया जो एड ज्वाइनिंग हाउस में रहता था तो अब ऐसा जो गिफ्ट है स्टेयर केस का वो वैलिड है अब इस प्रॉपर्टी को आप डिवाइड तो नहीं कर सकते ना स्टेयर को उसको स्टेयर केस को डिवाइड नहीं कर सकते अदरवाइज उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी उसको अगर हम तोड़ेंगे तो हम काम ही नहीं कर सकते हैं या फिर हम उसको ऊपर नीचे अपर लोअर में अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी हम काम नहीं कर सकते हैं स्टेयर केस के थ्रू फिर तो सच ए गिफ्ट ऑफ द स्टेयर केस इज़ वैलिड रीज़न इफ डिविजन करेंगे ऐसे अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का देन उसकी यूटिलिटी विल बी रिवेंड नेक्स्ट हम देखते हैं मूशा इन अ प्रॉपर्टी विच इज़ कैपेबल ऑफ डिविजन इफ अ प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ डिविजन उसको बांटा जा सकता है हिस्से में देन इफ अ प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ डिविजन उस प्रॉपर्टी को हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है इस में बांटी जा सकती है वो चीज़ देन गिफ्ट ऑफ़ अनडिवाइडेड शेयर इज नॉट वैलिड जनरली बिकॉज इन सच अ केस डिलीवरी ऑफ पोजेशन बिकम्स इम्पॉसिबल अनलेस द पार्ट इज़ डिवाइडेड ऑफ तो जब तक आप उस पार्ट को डिवाइड नहीं करोगे तब तक डिलीवरी पॉसिबल ही कैसे होगी सो so, उस प्रॉपर्टी को जो बांटी जा सकती है लेकिन अगर आप फिर भी नहीं बांट रहे हो तो ऐसा गिफ्ट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा मूछा नहीं किया जा सकता इन शिया लॉ दिस गिफ्ट इज़ वैलड लेकिन शिया लॉ में ऐसा गिफ्ट वैलड है जबकि उस प्रॉपर्टी को बांटा जा सकता है और तब भी आप उसे नहीं बांट रहे हो तब भी शिया लॉ कहते हैं कि ठीक है ऐसे गिफ्ट को हम वैलड मानते हैं बट जनरली ऐसा नहीं होता वैलड और हनाफी में हनाफी लॉ में ये सुन्नी लॉ की एक ब्रांच होती है हनाफी लॉ उसके हिसाब से ऐसा गिफ्ट इरेगुलर होगा इरेगुलर होगा एंड डिफेक्ट कैन बी रेमडीड बाई सब्सिक्वेंट पार्टीशन और डिलीवरी मतलब ये इरेगुलर रेगुलर गिफ्ट होगा और इसको अगर आपको वैलिड करना है तो इस प्रॉपर्टी को बाद में पार्टीशन करना ही होगा उस डिफेक्ट को हटा, हटाने के लिए फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखते हैं अ लैंड इन जॉइंट ओनरशिप ऑफ ए एन बी जनरली अब ये एक लैंड होती है लैंड तो डिवाइड कर सकते हो ना इजीली लैंड को डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे स्टेयर केस को डिवाइड करने में सीढ़ियों को डिवाइड करने में या फिर किसी सिनेमा हॉल को डिवाइड करने में उन सब चीज़ों को डिवाइड करने में प्रॉब्लम है बट एक लैंड को बहुत ईजीली डिवाइड किया जा सकता है तो अगर एक लैंड है जो जॉइंट ओनरशिप में है ए और बी के एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ डिवीजन ऑब्वियसली लैंड कैपेबल है डिवीजन के लिए अब नाउ ए विशेज टू मेक हिबा ऑफ हिज शेयर इन लैंड टू सी और वो सी को ऐसा कोई हिबा अपने शेयर का देना चाहता है तो सच हिबा इज कंसिडर्ड वैलिड ओनली वेन द सेड लैंड डिवाइडेड ऑफ तो अब उसमें वो हिबा, हिबा तभी दे सकता है जब वो जमीन का बंटवारा करे अपनी जमीन का हिस्सा बांट ले और उसके बाद वो हिबा दे सीखो इससे पहले अगर वो करता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा तो ये हो गया मूशा इन अ प्रॉपर्टी विच इज़ कैपेबल ऑफ डिविजन जहाँ पे डिविजन हो सकता है तो वहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा तभी गिफ्ट करिए लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं मतलब एक्सेप्शन्स क्या हैं कि जहाँ भी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी चाहिए थी की जा सकती है लेकिन फिर भी बिना प्रॉपर्टी को डिवाइड किए आप मूशा का गिफ्ट दे रहे हो हाउएवर देर आर सर्टन एक्सेप्शन वेयर अ गिफ्ट ऑफ मूशा इज़ वैलिड इवन इन अ प्रॉपर्टी विच इज़ कैपेबल ऑफ डिविजन यू आर नॉट डिवाइडिंग दैट प्रॉपर्टी आप उसको डिवाइड नहीं कर रहे हो और फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को दे रहे हो अब इसमें कुछ केसेज हैं वो देख लेते हैं फर्स्ट इज गिफ्ट बाय वन एयर टू अनादर अगर एक एयर अपना जो हिस्सा है वो दूसरे एयर को देता है तो ऐसा हिस्सा वो दे सकता है गिफ्ट कर सकता है बिना प्रॉपर्टी को डिवाइड करे इसमें शेयर को फिजिकली सेपरेट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एयर दे रहा है अपने दूसरे एयर को गिफ्ट ऑफ अ शेयर इन अ कंपनी इज वैलिड अब एक कंपनी है कंपनी में शेयर्स होते हैं उसमें भी डोनर के द्वारा डोनी अपना शेयर गिफ्ट कर सकता है थर्ड इज़ गिफ्ट ऑफ शेयर इन अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन लार्ज कमर्शियल टाउन इज़ ऑल्सो वैलिड तो अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है बड़े टाउन्स में जैसे कि अभी हम कैलकटा की कैलकटा में अगर घर है फॉर एग्जाम्पल तो वो बहुत ही बड़ा टाउन है वहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी में गिफ्ट देना बिना डिवाइड करे इज़ वैलिड तो अगर उसमें हिबा करना चाहता है कोई वन थर्ड पार्ट तो वो दे सकता है इट इज़ वैलिड एज़ कैलकटा इज़ अ बिग कमर्शियल सिटी तो वन थर्ड पार्ट वो गिफ्ट कर सकता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में अब फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है देखो फ्री होल्ड होती है जिसमें किसी और का कोई होल्ड नहीं होता बस ओनर का होता है मालिक का प्रॉपर्टी पर कंप्लीट कंट्रोल होता है इसको बेचने के लिए स्टेट से ऑथराइजेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है सो so, ये होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अब हम डी पॉइंट देखते हैं गिफ्ट टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं और उनको इकट्ठे एक, एक साथ गिफ्ट किया जा रहा है तो भी वो वैलिड गिफ्ट है जहाँ पे बिना प्रॉपर्टी को डिवाइड किए आप दे सकते हो लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि जो डोनी है जिनको प्रॉपर्टी दी जा रही है वो टेनेंट्स इन कॉमन होने चाहिए दैट इज उन्होंने विदाउट डिवाइडिंग इट और स्पेसिफाइंग देयर शेयर्स दे आर टेकिंग द प्रॉपर्टी बिना डिवाइड किए प्रॉपर्टी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं शेयर्स को डिवाइड नहीं कर रहे हैं एंड लास्ट इज कि गिफ्ट ऑफ अ शेयर बाय अ को शेयर इन जमींदारी और तालुका सो so, यहाँ पे बोल बात कर रहे हैं जमींदारी लैंड की कि यहाँ पे जो शेयरर्स हैं वो जमींदारी प्रॉपर्टी के हैं जो को शेयरर्स हैं इफ ए एंड बी आर को शेयरर्स इन अ जमींदारी प्रॉपर्टी ईच हैविंग अ वेल डिफाइंड शेयर अब उसमें वो इन द रेंट ऑफ अनडिवाइडेड लैंड एंड ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ ए शेयर टू बी अब वो अपना हिस्सा ए बी को दे देता है दोनों ही उसी प्रॉपर्टी में शेयरर हैं और अपना एक हिस्सा ए बी को दे देता है तो यहाँ पे बिना पार्टीशन करे तो ऐसा गिफ्ट वो जो होगा वो वैलिड होगा बिना पार्टीशन किए भी लेकिन यहाँ पे अब ये चीज़ है कि जो जमींदारी है दैट हैज़ बीन अबॉलिश्ड वो ख़त्म कर दी गई है ज़मींदारी लॉज जमींदारी सब कुछ ख़त्म हो गया है इंडिया से इसलिए अब इस एक्सेप्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है तो ये एक्सेप्शन अब मान्य नहीं है तो ये सारे जो हमने ई पॉइंट्स तक पढ़े ये सारे थे एक्सेप्शन ऑफ डॉक्टर ऑफ मुशा और मूशा डॉक्ट्रिन जो है यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस डॉक्टर इज़ अपोज बाय मैनी बहुत लोग उसे अपोज करते हैं क्योंकि ये होली अनप्टेड टू प्रोग्रेसिव स्टेट फ्री ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्योंकि इसमें आप प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को रिस्ट्रिक्ट करने की बात बोल रहे हो जहाँ पर इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनता जा रहा है यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी पे आप रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हो लेकिन फिर भी आज भी ये डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया जाता है जबकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है तब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट अपोज टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस सो अभी भी ये मान्य हैं ये डॉक्ट्रिन सो दिस वॉज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच